वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में देख रही हूं जिस किसी भी पर्सन के साथ आप करंट में डील कर रहे हैं और उनके साथ शायद आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस कम्युनिकेशन में हैं, तो इस इंसान का अब आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या सोचना है, किस स्टेट ऑफ माइंड में अब ये पर्सन आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर हैं और कैसा महसूस करा जा रहा है करंट में इनके माध्यम से, ये सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले जब यहाँ पर कार्ड्स निकाले जाए, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हर बात मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके अलग व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर आप देख भी सकते हैं। चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट स्टेट ऑफ माइंड को, बताइए व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। कॉम्प्रोमाइज, क्रिएटिविटी, कंपैरिजन, एडवेंचर, रीबर्थ, सेलिब्रेशन एंड स्लोइंग डाउन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बने हुए हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। ट्रैप, गेन, मैरिज, बुली, आइडिया, फैमिली, स्वीट ड्रीम, ठीक है। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं राशियां आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखा। उसके अलग आपका है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड ये आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो मेजर में ये राशियाँ हैं। नंबर डिस्कस करे जाए तो 6, 3, 10, 1, 5 ये इम्पॉर्टेंट है। मंथ डिस्कस करे जाएं तो जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, मई, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एज ग्रुप वाइज अगर बात करी जाए तो 25, 41, 46, 39, 68 ये मुझे एज ग्रुप दिख रहा है जो आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। बड़े स्लो किस्म के इंसान है आप, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, डेफिनेटली बहुत स्लो है ये पर्सन। और ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि सोचते भी ज़्यादा हैं, कैलकुलेट भी ज़्यादा करते हैं, और उसी रीज़न की वजह से ना चीज़ें इनके हाथों से छूटती भी हैं, या आप जो इनके हाथ से छूटे, या इस तरह की जो सिचुएशंस आप दोनों को देखनी पड़ी उसके पीछे का मेन रीज़न यही है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, देखो आपके पर्सन के आसपास लोग हैं, ऐसा नहीं है ये अकेले हैं। हो सकता है चांसेस ये पार्टीज वगैरह भी करते हों, और बेसिकली वो पार्टी करना, लोगों में अपने आप को घेरे रखना, उनके पीछे का रीज़न ये है कि ये एक परिवार को मिस कर रहे हैं, वो परिवार जो इन्हें आपसे मिल सकता था या जो आपसे मिला। यानी कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड में इस इंसान के वो परिवार चल रहा है जो आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए ये पर्सन पार्टीज एंड ऑल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा घुसते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि देखो व्यूअर्स, आपके पार्टनर ना जिद्दी बहुत है, और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप
के लिए इनके दिल में अभी भी जगह है या आपके लिए ये अभी भी अट्रैक्टेड है? आपसे जो भी रिश्ता था, जिस भी तरह से मिल रहा था, मैरिज हो गई थी, मैरिज करना चाह रहे थे, तो जिस भी तरह का रिश्ता था उसको लेकर ये अट्रैक्टेड है, लेकिन इस रिश्ते को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज, कुछ समझौते करने हैं, उसको लेकर ये पर्सन अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या उसको लेकर इन्होंने अपने आप को तैयार नहीं करा, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है वो बेसिकली एक ट्रैप है, वो इन्हें फंसाने के लिए एक जाल बिछाया गया है या जाल बिछाया जा सकता है। तो एक ट्रस्ट इश्यूज इस इंसान को है, जिसके चलते ये पर्सन ना आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, अट्रैक्शंस होने के बावजूद भी इस सोच की वजह से समझौते नहीं कर रहे हैं कि ये समझौते करेंगे तो अल्टीमेटली विक्टिम ये बन जाएंगे, या फिर इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैप करके रख लिया जाएगा, बांध कर रख लिया जाएगा, या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही समझौते करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये चाहते हैं, ये एक ऐसी मेंटलिटी इन्होंने बना रखी अपनी कैलकुलेशन के बेस पर कि आज का करा हुआ समझौता सारी जिंदगी इन्हें करना पड़ेगा, और आज अगर इन्होंने समझौता नहीं करा तो सारी जिंदगी इन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो जिद्दी स्वभाव के ये पर्सन हैं, और उस जिद्दी, उस अड़ियल होने की वजह से ये पर्सन अपने आज को, आने वाले कल को एक तरह से दाव पे लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रिबर्थ तो चाह रहे हैं और उसके लिए आइडियाज भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो आइडियाज उस वे में है व्यूअर, जैसे चिट भी अपनी पट भी अपनी, ठीक है, इमेजिनेशंस में रख रहे हैं, या फिर एक विक्ट्री अपने हाथों में रखने के लिए ये पर्सन आइडियाज बना रहे हैं, किसी से इस चीज के लिए अगर इन्हें इंस्पिरेशन लेनी पड़ रही है, सलाह मशवरा लेने पड़ रहे हैं, तो ये उसके लिए भी अपने आप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर के साथ एक चीज तो है, एक समस्या यहाँ पर है कि एक वक्त पे ये पर्सन बजाय समझौता करने के, कुछ पाने की इच्छा की वजह से, कुछ चमकती हुई चीज को पाने की इच्छा रखने की वजह से धीरे धीरे कर ये पर्सन आपकी जिंदगी से बाहर निकल गए। बेबी स्टेप इन्होंने रखे, लेकिन वो बेबी स्टेप इन्हें अल्टीमेटली आपसे जुड़े हुए रिश्ते से काफी दूर ले गए, और अब वहां पर बैठकर वो बेबी ये सोच रहे हैं, मैं लौट कर जाऊंगा या जाऊंगी ना, तो मुझे अब समझौते करने पड़ेंगे, क्योंकि जाने वाला या जाने वाली मैं थी, मैं बना अपनी एक भूल की वजह से। तो कुछ तो ऐसा था भाई जो इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहा था, चमक रहा था, इस इंसान को लग रहा था वही मेरी मंजिल है, वही मुझे जाना है, उसी से मेरी प्राप्ति है, पूर्ति है, संतुष्टि है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वहां पे जब कंपैरिजन होने शुरू हो गए, वहां पर जब इनके लिए पॉइंट करना शुरू कर दिया गया, या वहां पर एक ऐसी सिचुएशन इनके लिए बननी शुरू हो गई जहाँ हर पल इन्हें एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है, तो ये पर्सन लौट कर आना चाह रहे हैं। लेकिन लौट कर आने के वे में मन में वही सवाल है कि अब समझौते करने पड़ेंगे, और समझौता मतलब हमेशा का समझौता, और इसी रीजन की वजह से ये पर्सन जितना पहले एक सुकून से सो पाते थे, एक तरह से बेबी स्लीप सो पाते थे ना, अब इस इंसान की पूरी तरह से यहाँ पर नींदें उड़ी पड़ी हैं। तो वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है व्यूअर्स। जो सुबह से लेकर अब तक ना इस इंसान के दिमाग का भरता बनाए हुए है ये पर्सन ना व्यूअर्स, आप जितने ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं उतना ज्यादा ये तो समझ में आ रहा है कि परिवार और दोस्त में कितना फर्क है, ठीक है, या परिवार के साथ मिलने वाली खुशी और दोस्तों यारों के साथ मिलने वाली खुशी, वो सेलिब्रेशंस में जमीन और आसमान का फर्क है। जो पूर्ति एक परिवार कर सकता है वो दोस्त यार नहीं कर सकते, और वो परिवार, वो सभी चीजें आपसे मिल रही थी। तो ये तो यहाँ पर इनके मन में है कि भाई इन्हें इस रिश्ते में रिबर्थ ही करना है, इसी में इनकी समझदारी है, ये तो ये समझ रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते को लेकर जो समझौते अब इन्हें करने पड़ेंगे, करने पड़ रहे हैं, उसको ये पर्सन एक जाल के तौर पर देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसा क्या आपने सोच रखा है भाई, जो इन्हें लग रहा है कि ये जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुझसे तो पहुंचा है इनके पास, ऐसे तो यूं ही तो नहीं पहुंचा होगा। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अब इस इंसान को ना ये ज्यादा फील हो रहा है आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, कि इन्हें जो मिला
इस रिश्ते से जो इन्हें खुशियां मिली, इन्होंने उस खुशी का दिल से स्वागत नहीं करा या खुले दिल से इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर ये अपने आज में ये सभी चीजों को फेस कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है या वो स्टेट ऑफ माइंड इनका अब आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर स्पेशली है। यहाँ पर ये पर्सन ना आपसे ज्यादा आपसे जुड़े हुए रिश्ते को सोच रहे हैं, मैं ये फीलिंग इनकी ज्यादा देख पा रही हूँ। चलिए मैं टैरो से और देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन ने ना अपने आप को एक वेटिंग मोड पर डालने का डिसीजन जैसे मानो ले रखा है या इस तरह की प्लानिंग इनकी है कि इन्हें अभी और सब्र करना चाहिए। किसका सब्र पहले टूटेगा, जिसका भी सब्र पहले यहाँ पर टूटेगा वो यहाँ पर पहले समझौता करेगा या करेगी। यानी कि जिस भी तरह की सिचुएशन अभी आप दोनों के दरमियान चल रही है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दोनों आगे अभी तक नहीं बढ़े हैं, तो वहाँ पर ये चीजें इनके दिल में है कि अगर आप भी वेट कर रहे हो तो ओवरऑल इन्हें भी वेट करके आपके मन में वो जो एक कॉम्प्रोमाइज करवाने की चाह है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाए। आप खुद ब खुद यहाँ पर समझौते कर लो। तो वैसी प्लानिंग वैसी थॉट इस इंसान ने जैसे मानो यहाँ पर बना रखे हैं, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ही किसी तरह का रिजल्ट आ जाए, जिस तरह से ये चाहते हैं, जिस तरह से आप नहीं चाहते हो उस तरह से रिजल्ट आ जाए। तो उस आउटकम का वेट करने के लिए ये पर्सन काफी ज्यादा अपने आप से अपने आप को सब्र का घूंट पिला रहे हैं, ये उस तरह से मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार करने की कोशिश करी जा रही है कि इन्हें फ्रूट के पकने का वेट करना चाहिए बजाय उस जाल में उस ट्रैप में फंसने के। और ये चीजें ना इस इंसान की रणनीति में है, ये चीजें इनकी प्लानिंग में है। जिस भी तरह का इन्हें बदलाव चाहिए वो उस तरह से मिल पाए। तो अब देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे सपोज आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो लेकिन इस इंसान ने अपने आप को एक वेटिंग मोड पर डाल रखा है, तो अल्टीमेटली गिव अप कौन करेगा या कौन करेगी? जब समझ में आपको आएगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे, आप खुद ब खुद किसी और रिश्ते में जाओगे बजाय इनकी तरफ से किसी तरह के समझौते के वेट करने के। दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, कोर्ट कचहरी वगैरह का केस चल रहा है, तो ओवरऑल देखो वो चीजें चलती रहेंगी, कभी तो आप थकोगे कभी तो आप हारोगे। तो इस इंसान ने चीजें वेटिंग मोड पर डाल रखी है, तो ओवरऑल यहाँ पर यही प्लान इनकी है। क्योंकि समझ तो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके जाल में फंस गए हैं या अपने ही बनाए हुए जाल में ये पर्सन फंस गए हैं, लेकिन स्टिल एक सब्र इस इंसान ने अभी भी कर रखा है जिसके सहारे अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करी जा रही है। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर। स्प्रेड गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टावर, देखो ये चीजें इन्हें समझ में आ रही है कि जरूरी नहीं है जो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, चमक रही है वो सोना हो, ये भी हो सकता है वहीं से शुरुआत हो आपकी बर्बादी की। तो वही सभी चीजें आपके पर्सन को इस वक्त में अंदर से पूरी तरह से तोड़ रही हैं। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि जिन चमकती चीजों की तरफ या जिस चमकते हुए रिश्ते की तरफ ये पर्सन बढ़े, उस रिश्ते ने उस चमकती चीज ने इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस लायक भी इन्हें नहीं छोड़ा कि अब ये कुछ हासिल कर पाए या इस लायक भी इन्हें नहीं छोड़ा कि ये अल्टीमेटली कोई कदम भी उठा पाए, कोई एडवेंचर भी कर पाए। तो बार बार अपने पास्ट की उस गलती को इस इंसान के थ्रू सोचा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपने हाथ से जो जो छूटा, जो जो इनसे बिछड़ा, उसको भी सोच सोच कर इस इंसान का यहाँ पर जैसे मन मर रहा हो, तो वैसी फीलिंग मुझे इनकी दिख रही है। राइट कीजिए बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है।
यहाँ पे आपका लवर्स आया है, जेमिनी काफी स्ट्रॉन्ग में है। देखो काफी क्लोजनेस इस रिश्ते में आई, काफी क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ डेफिनेटली स्पेंड करा है, और ये पर्सन उस क्वालिटी टाइम को ही काफी ज्यादा याद कर रहे हैं या उसी के लिए ये ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन सिचुएशन अभी अलाउ नहीं कर रही है, सिचुएशन तो भाई वेट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए इन्हें बोल रही है। लेकिन सुबह से लेकर अब तक हाँ, आप दोनों जितना भी इस रिश्ते में करीब आई है, संबंध जितना भी आप दोनों का आगे बढ़ाना, वो संबंध इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, जो भी आपका रिश्ता था। यहाँ पर ये भी चांसेस है कि कुछ लोगों का तो रिश्ता ऐसा था कि आप किसी कमिटमेंट में नहीं चाहते थे, बस आप इसी तरह से यूं ही दोस्ती, प्यार, एक दूसरे का साथ या फोन पर बस जस्ट बातचीत होती रहे, उस तरह से आप ये रिश्ता चाहते थे। तो कुछ लोगों के केस में तो मुझे ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए ये पर्सन अगेन अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं, आपसे हो या कहीं और हो, आपसे बात करते करते इनकी कहीं और मैरिज हो गई, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन ओवरऑल जितना भी क्लोज आए हैं ना आपके, उसे काफी ज्यादा इनके थ्रू फील करा जा रहा है, मिस करा जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो ऐसी चीज यहाँ पर हुई है व्यूअर्स इस पर्सन की जिंदगी में सुबह से लेकर अब तक, जो इन्हें मुंह छुपाने के लिए मजबूर कर रही है, या तो जो भी अतीत इनका आपसे जुड़ा है वो यहाँ पर बाहर निकल कर आया है, जिसे इन्होंने अभी तक छुपा कर रख रखा था, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसी चीजें हुई है जहाँ पर कंपैरिजंस करे जा रहे हैं, जिसमें ये पर्सन बिल्कुल निल मात्र अपने आप को देख रहे हैं, और इस रीजन की वजह से ही अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर इस इंसान का किसी तरह से किसी के माध्यम से कंपैरिजन करा गया है, और वो कंपैरिजन करा गया है आसपास के लोगों से, ठीक है, चाहे वो परिवार के लोगों के द्वारा करा गया हो, परिवार के सदस्यों ने ही अपने आप से इनका कंपेयर करना शुरू करा हो कि भाई देखो तुम कहाँ हो, हम कहाँ हैं, हम भी रिश्ते निभा रहे हैं, तुम कैसे निभा रहे हो। तो कुछ ऐसी चीजें इनकी जिंदगी में हुई हैं जो सुबह से लेकर अब तक इनके मन को काफी ज्यादा तोड़ रही हैं, मन भारी कर रही हैं, रोने के लिए इन्हें बोल रही है, ये इमोशनली वे में काफी कमजोर इन्हें करती जा रही है, तो वैसी फीलिंग मैं देख पा रही हूँ। इसी रीजन की वजह से थोड़ा सा ये और रिश्ते को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी है। स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो आपके पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है या ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि अब इस रिश्ते से मिली हुई जो भी जिम्मेदारियां हैं वो इनके कंधों पर लदेंगी, चाहे वो सही करने को लेकर हो, चाहे वो बिगाड़ने को लेकर हो, चाहे फिर वो अल्टीमेटली अब इस रिश्ते को संभालने को लेकर हो, सभी चीजों का जो बिल है वो इन्हें देना पड़ेगा। जो भी इन्होंने अभी तक इस रिश्ते को लेकर बिल आपके ऊपर फाड़े, वो इन्हें अपने ऊपर फटते हुए या अपने नाम से फटते हुए क्योंकि नजर आ रहे हैं, इसी रीजन की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस में ये पर्सन है। और उसके अलग ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना इस रिश्ते से रिलेटेड किसी से सलाह मशवरा भी नहीं ले रहे हैं, किसी से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे डील करा जाए, उसकी किसी से गाइडेंस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ना अगर ये किसी से अब इस रिश्ते को सही करने की गाइडेंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इन्हीं के ऊपर आएंगी, ठीक है, क्योंकि करने वाले कर्ता धर्ता यही तो हैं इस रीजन की वजह से। तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं, खुद से सब चीजें सही करने की इच्छा इनकी है, और खुद से जितनी ज्यादा सही करने की इच्छा इन्होंने बना रखी है उतना ही ये धरती के नीचे अपने आप को धंसते हुए पा रहे हैं उस जिम्मेदारियों की वजह से, उसके बोझ की वजह से। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और कैसा महसूस कर रहे हैं। स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज द स्टार, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि।
पहली चीज तो ये चीजें हैं कि भैया इस इंसान के आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अब उनसे इतना ज्यादा ओपन नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ रहकर भी अपने इमोशंस को काफी ज्यादा काबू कर रखा है, चाहे फिर आसपास इनके कलीग्स ही क्यों ना हो, लेकिन काफी सारे लोगों की मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। और ऐसे भी चांसेस हैं उन लोगों के लिए, इन्होंने अपने आप को काफी कंट्रोल, काफी ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इमोशंस अपने उस परिवार को जो आपसे नहीं मिल रहा था या जो आपसे मिल सकता था उसकी तरफ बह रहे हैं। ये पर्सन ना धीरे से ही सही, देर से ही सही, लेकिन इस रिश्ते को लेकर होपफुल काफी ज्यादा है, यानी कि उस तरह की फीलिंग है जैसे कि देर भले लग रही है लेकिन चीजें इनके फेवर में अगर हो जाती हैं तो ये वो वेट करने के लिए भी तैयार है। तो उस तरह की फीलिंग इन्होंने अपनी बना रखी है या उस तरह की सोच इन्होंने अपनी यहाँ पर डेवलप कर रखी है सुबह से लेकर अब तक की। और इसी के बेस पर ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने आप को खुश रख रहे हैं, ये अपने आप से उस नकारात्मकता को जिन्हें जो इन्हें अपने आसपास दिख तो रही है, महसूस तो रही है, उसे छोड़ने की इनके माध्यम से कोशिश करी जा रही है। मतलब उन्हें दिमाग में ज्यादा ना चलाया जाए ऐसे परसेप्शन, ऐसी सोच इनकी यहाँ पर बनी हुई है। इन्होंने ना पूरी तरह से अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है और इनका लक्ष्य यहाँ पर इन्हें धीरे चलने के लिए, वेट करने के लिए इन्हें बोल रहा है, उम्मीद बनाए रखने के लिए इन्हें बोल रहा है, चीजें अपने हिसाब से होनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अब इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इन सभी एनर्जीज, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के बाद व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई विश यू वर हेयर, आपसे कहना चाह रहे हैं कि यही आशा करते हैं, रखते हैं कि आप यहाँ पर हो, इनके पास हो। आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू, अब ये पर्सन हर वो गाना सुन रहे हैं जो इन्हें आपकी याद दिला रहा है या जो इन्हें आपसे जोड़ रहा है, आपसे ही कहना चाह रहे हैं। आई एम अ प्लेयर, तो देखो एक वक्त पे इन्होंने गेम तो खेला, देखिए अब वो बात और है कि इनका गेम इन्हीं पर भारी पड़ गया, वो बात और है कि जो रेपुटेशन से बनाने चले थे, जो इमेज इन्होंने बनाने की सोची थी वो इन्हीं पर आकर पड़ी है, वो इन्हीं की धूमिल हुई है, लेकिन हाँ ये पर्सन अब उस चीज को एज अ गिल्ट, एज अ अफसोस आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, अब ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं आपसे मिलने की। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें छोटी छोटी चीजों से प्यार होता जा रहा है जो आप इनके लिए करा करते थे। नो बडी कंपेयर्स टू यू, कहना चाह रहे हैं ये भी जान गए हैं कि आपका कंपेरिजन कोई नहीं कर सकता, किसी से ये नहीं कर सकते, एंड आई विल नेवर लेट यू गो, और इसी के चलते अब ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, जाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं जाने तुझे। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रही है आपकी यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करना चाह रही है आपके लिए, उनकी तरफ से यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के कार्ड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए बताइए, डिवाइन मिरेकल वंडरिंग पाथ एंड सॉलिट्यूड। देखो आपसे ना यूनिवर्स ये बोल रही है चुप होकर, ठंडा होकर खाओ, ठीक है, एज एन यहाँ पर अपने आप पर बहुत खामोशी से, उसका ढोल पीट कर नहीं, उसका ढिंढोरा पीट कर नहीं, बहुत शांति से, सुकून से यहाँ पर अपने लिए वर्क करना शुरू करो, ठंडा होकर खाने का एक परसेप्शन रखकर अपनी जर्नी को एंजॉय करो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। मिरेकल्स एग्जिस्ट हैं, आज भी मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, और उन चीजों पर आपको भरोसा रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माइंड में ये सेट रखो एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए या इतना वक्त हो गया, नहीं, आपको बस अपने आप में इतना अपने आप को बिजी कर लेना है, इतना चुप होकर खामोशी से आपको अपने आप पर एफर्ट्स डालने हैं कि अगले को क्या आपके दूसरे हाथ तक को पता ना चले कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, अपनी जिंदगी को कैसे इंजॉय कर रहे हो, हील कैसे कर रहे हो, अपने आप से वर्क कैसे कर रहे हो, तो ये सभी चीजें आपको करनी
करनी है, और क्योंकि यही सभी चीजें आपको पॉजिटिव करेंगी, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगी और मिरेकल्स होते हैं जो आपकी जिंदगी में लेकर भी आएंगी। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है। तो काफी अच्छी रीडिंग आई है एंड आप ये समझिएगा व्यूअर्स कि देखो अब तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको हिम्मत बटोरनी है, वो हिम्मत जो कहीं ना कहीं टूट रही है। परीक्षा लेते हैं ना भगवान, तो आप ये समझ लीजिएगा वो परीक्षा ही आपकी चल रही है जिसमें आपको हारना नहीं है। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आप थोड़ा भी अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। इन चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी नई रीडिंग चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।